यस वेलकम क्लास 12 टू टुडेज वीडियो लेक्चर क्लास. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 की केस स्टडीज. चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लास. आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्यूरिफायर्स. ही फाउंड दैट द प्रॉफिट्स हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग फ्रॉम द लास्ट 6 months. प्रॉफिट हैज एन इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म. So he analyzed the business environment to find out the reasons for this decline. First part is identify the level of management at which Ashutosh Goenka was working. State 3 other functions being performed by Ashutosh Goenka. तो क्लास ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर के टाइम भी बताया था जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी कि जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड द नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो डायरेक्ट होता है कि स्टेट 3 फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय दैट पर्टिकुलर पोस्ट. तो क्लास अगर आप लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी आइडेंटिफाई गलत कर दोगे तो बी पार्ट तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा. तो क्योंकि इसमें जो आशुतोष गोयनका है वो बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज कर रहा है. तो बिजनेस एनवायरमेंट को जो एनालाइज करते हैं ये कौन सा लेवल होता है ये हमने अच्छे से लेवल ऑफ मैनेजमेंट के वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है. द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच एनालाइज द बिजनेस एनवायरमेंट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो यू कैन सी द आंसर. आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड देन यू हैव टू डिस्कस द 3 फंक्शंस बींग परफॉर्म बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो क्लास अगर आपको फंक्शंस को लेके कोई भी कंफ्यूजन है तो जो हमारी प्रीवियस वीडियोज हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को लेके आप उन वीडियोज को एक बार देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. ऋषितोष मुखर्जी हैज रिसेंटली जॉइंड AMV लिमिटेड अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर्स. ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट वॉज अंडर स्टाफ्ड एंड अदर डिपार्टमेंट्स वर नॉट कोऑपरेटिंग विद हिज डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Therefore, he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with other department is improved. Identify the level at which Rishitosh Mukherjee was working class. Very clear. मैंने ये भी आपको वीडियो लेक्चर में एक एक लाइन एनसीईआरटी की बताई है कि एक एक लाइन एनसीईआरटी की केस स्टडी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है. आपके सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में एनसीईआरटी के बेस पे केस स्टडीज आएंगी. जैसे देखो क्लास यहाँ पे आप देखो देयरफॉर ही इंश्योर्ड दैट हिज डिपार्टमेंट हैज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. तो जब एक मैनेजर ये इंश्योर करे कि उसके डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज प्रॉपर हैं पूरे हैं तो ये किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम है. तो एज यू कैन सी द आंसर इज वेरी क्लियर. इट्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट. ये हमने फंक्शंस में डिस्कस भी किया है. एंड उसके बाद अगर आपसे फंक्शंस पूछे हैं क्लास तो आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट के कोई भी 3 फंक्शंस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. श्रीधर्स फादर इज वर्किंग एज अ सेक्शन इंचार्ज इन अ गवर्नमेंट ऑफिस. आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो क्लास अगर आपको ध्यान हो तो मैंने डिफरेंट पोस्ट आपसे डिस्कस करी थी वीडियो लेक्चर में. तो जो सेक्शन इंचार्ज की पोस्ट है सेक्शन इंचार्ज की जो पोस्ट है वो हमारी ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट में आती है. एंड क्लास जब आप पोस्ट सही से आइडेंटिफाई कर लोगे तो फंक्शंस बताना कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपने पोस्ट ही गलत आइडेंटिफाई कर ली तो आप फंक्शंस कितने भी अच्छे लिख दो उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट आइडेंटिफाइंग द केस स्टडी. इसलिए मैं अपने हर वीडियो लेक्चर में क्लास में इंपॉर्टेंट लाइंस जरूर डिस्कस करती हूँ एनसीईआरटी की जो आपको केस स्टडीज आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगी. तो यू कैन सी द आंसर. ही इज वर्किंग एट द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड देन यू कैन डिस्कस द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय हिम. क्वेश्चन नंबर 4. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास. मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड वाटर हीटर्स. इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वॉज जस्ट सफिशियंट टू मीट इट्स कॉस्ट. टू इंक्रीज द रेवेन्यू द कंपनी एनालाइज द रीजंस बिहाइंड द लेस रेवेन्यू. आफ्टर एनालिसिस कंपनी ने क्या क्या डिसाइड करा. टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट. To start manufacturing solar water heaters and reduce the production of electric water heater. And they will not help in covering the risk but also help in meeting other objective. Identify and explain the objectives of management discussed above. तो क्लास पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप वीडियो पॉज करके खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो. ठीक है. तो क्लास अगर आप ध्यान से देखो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वॉज जस्ट सफिशियंट टू मीट इट्स कॉस्ट. तो जब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की क्लास ली थी और आपको समझाया था तो वहां मैंने आपको क्लियर बताया था कि जो सर्वाइवल है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में जो सर्वाइवल है उसका मतलब यही होता है कि जस्ट आप अपनी कॉस्ट कवर कर पाओ.
ठीक है क्लास, तो आई थिंक आपको ये चीज ध्यान आ रही होगी। फिर टू इंक्रीज द रेवेन्यू, तो कंपनी इसके बाद अपने रेवेन्यू भी इंक्रीज करना चाहती थी। तो आफ्टर सर्वाइवल जो आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है, ठीक है, जो प्रॉफिट है, ग्रोथ है, वहां पे कंपनी वर्क करते कि कॉस्ट से ऊपर भी वो कुछ कमा पाए, जो हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। तो एज यू कैन सी द आंसर क्लास, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर बात हो रही है सर्वाइवल की, बात हो रही है प्रॉफिट की, बात हो रही है ग्रोथ की, कि कंपनी पहले कॉस्ट कवर करना चाहती है, उसके बाद कंपनी अपने रेवेन्यूज बढ़ाना चाहती है जिससे वो प्रॉफिट और ग्रोथ की तरफ जा सके। अब एक बार आप और पीछे देखिए क्लास केस स्टडी में, कंपनी यहाँ पे उन एरियाज में लेबर वहां से लेना चाहती है, बैकवर्ड एरिया से, जहां पे लेबर लो रेट पे अवेलेबल है। लेकिन आप ये देखते हो कि इससे बैकवर्ड एरिया की डेवलपमेंट होगी, बैकवर्ड एरिया में वो कंपनी को सेटअप कर रहे हैं। दूसरी बात, वाटर हीटर्स, वो सोलर वाटर हीटर्स बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स की जो प्रोडक्शन उसे खत्म कर रहे हैं, यानी वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी काम कर रहे हैं। देयर मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर्स, वो रिसोर्सेज बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आपको नीचे भी हिंट दी थी, दिस विल नॉट ओनली हेल्प इन कवरिंग द रिस्क बट ऑल्सो हेल्प इन मीटिंग अदर ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ से हमें पता चल गया था कि ऑर्गेनाइजेशनल के साथ साथ कंपनी सोशल ऑब्जेक्टिव भी फॉलो कर रही है। वो बैकवर्ड एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रही है, दूसरी बात वो सोलर वाटर हीटर्स बना रही है। तो क्लियर आंसर यहाँ पे था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, जो अगेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। क्लास अगर आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका कहीं ना कहीं यही मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसलिए आप पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट या जो भी चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, उनको अटेंड करें, उनका अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, देन केस स्टडीज अटेम्प्ट करें। एक्स वाई जेड पावर लिमिटेड सेट अप अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर लैंटर्न्स इन अ रिमोट विलेज एज देर वॉज नो रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज। तो हमें यहीं से पता चल रहा है क्लास की जो कंपनी है वो रूरल एरियाज के लिए काम कर रही है, रिमोट विलेजेस में जाके सोलर लैंटर्न्स लगा रही है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव तो क्लियरली दिख रहा है। द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वॉज सफिशियंट टू कवर द कॉस्ट एंड द रिस्क। तो क्लास ये भी मैंने आपको समझाया था कि जहां बात रिस्क कवर करने की आ जाए वहां पर कंपनी प्रॉफिट की बात करती है। एज द डिमांड वॉज इंक्रीजिंग डे बाय डे कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स। तो क्लास हायर सेल्स मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि सेल्स इंक्रीज हो रही है आपकी, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है आपकी, तो आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम अ नियर बाय विलेज एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन दैट एरिया। सेम अगेन सोशल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। कंपनी ने स्कूल्स एंड क्रेचेस भी ओपन करे हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो क्लास हमने 3 तरह के ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड ह्यूमन, या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जैसे भी कहें। अब यू कैन सी द आंसर क्लास, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो यहाँ पे है ही, क्योंकि कंपनी जो है वो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ की बात कर रही है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी है, मैंने डिस्कस करा है। अगर आप ध्यान से देखें क्लास, तो जो लास्ट लाइन है, कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन स्कूल्स एंड क्रेचेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, तो कहीं ना कहीं क्लास है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको क्यों नहीं लिखा है क्लास, क्योंकि सीबीएसई क्वेश्चन है एंड मार्क्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे, लेकिन जो लास्ट लाइन है जहां पे वो एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए भी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए स्कूल्स एंड क्रेचेस ओपन कर रहे हैं, तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज। क्वेश्चन नंबर 6, योर ग्रैंडफादर हैज रिटायर्ड एज द डायरेक्टर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो डायरेक्टर है क्लास, यहीं से पोस्ट मैंने सारी डिस्कस करी थी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो डायरेक्टर इज अ पोस्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड देन यू कैन डिस्कस द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय हिम। वैभव गारमेंट्स लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ इट्स रुपीज कॉस्ट ऑफ रुपीज 150 पर शर्ट। द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 160 पर शर्ट। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? तो क्लास इफेक्टिव एफिशिएंट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इफेक्टिव वो होते हैं जो काम टाइम पे करते हैं विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, और एफिशिएंट वो होते हैं जो टाइम को, जो काम को कम कॉस्ट पे करते हैं विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो क्लास यहाँ पे टारगेट था 150 पर शर्ट की कॉस्ट पे बनाना, बट शर्ट बनी रुपीज 160 पर शर्ट की कॉस्ट पे, यानी
कॉस्ट जो थी वो बढ़ गई, एक्स्ट्रा हो गई। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एफिशिएंट वो होता है जो कम से कम कॉस्ट में काम करे। बट क्लास आप ट्रिक देखो, बोर्ड ने आपसे एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा, बोर्ड ने पूछा है डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव। तो यस, इफेक्टिव वो होता है जो टारगेट को अचीव कर ले, जो टारगेट को अचीव करे विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, वो इफेक्टिव है। तो यस, वो इफेक्टिव है, बट ही इज नॉट इफिशियंट। बट क्वेश्चन क्योंकि हमसे सिर्फ इफेक्टिव का पूछा है, तो विल राइट कि यस ही इज इफेक्टिव एज ही कुड अचीव द टारगेट टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स इन अ मंथ। तो डोंट गेट कंफ्यूज क्लास, क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। वो आपको जान के डॉज कर रहे हैं कि वो एफिशियंसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, बट क्वेश्चन इफेक्टिवनेस का पूछा है। तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। सूरज वर्क्स एज अ सेल्समैन, उसे क्या टारगेट मिला? टू सेल 1200 यूनिट्स ऑफ द फूड पैकेट्स इन अ मंथ बाय ऑफरिंग 10% डिस्काउंट टू द कस्टमर। एंड क्लास अपना टारगेट पूरा करने के लिए उसने डिस्काउंट 15% दे दिया। बोला था 10% देने के लिए मैक्सिमम, लेकिन टारगेट पूरा करने के लिए उसने 15% डिस्काउंट दे दिया। तो अगेन क्लास कॉस्ट बढ़ गई, मिनिमम कॉस्ट पे काम नहीं करा सूरज ने, कॉस्ट बढ़ गई, ही इज नॉट एफिशिएंट। बट अगेन क्वेश्चन है क्या इज सूरज इफेक्टिव इन हिज वर्क। तो क्लास इफेक्टिव वो है जो टारगेट को टाइम पे अचीव कर ले। एंड यू कैन क्लियरली सी कि उसको टारगेट मिला था, एंड टू अचीव दिस टारगेट ऑन द लास्ट टू डेज ऑफ द मंथ, यानी उसने टारगेट तो अचीव करा है। That means he is effective. Yes, Suraj is effective as he has been able to meet his monthly sales target of selling 1200 units of the food packets. Yes, the most important question class, see the 5 marks ka question jo hai, isko dhyan se read karo. It's better aap video pause karke pehle question ko bahut acche se read kar lein. Anju and Manju are good friends. Considering the fact that the activities involved in managing an enterprise are common to all organizations, after completing their masters in business management, both of them take up a job at managerial level in different organizations as per their individual areas of interest. Anju takes up a marketing job, Manju joins an NGO. So both of them have to perform a series of continuous, composite but separate functions. Anju may spend more time in planning, on another day she may spend more time in sorting out employees' problem. So both Anju and Manju make conscious efforts to build a feeling of team spirit and coordination among diverse individuals. The effect of management is noticeable. So class case study padhte hi padhte na, jin bachcho ne video lectures attend kare hai mere, jahan pe maine NCERT ki important lines aapko likhi bhi hain, batai bhi hain, un bachcho ke liye case studies bahut easy hai. क्योंकि आप केस स्टडी पढ़ते पढ़ते उन लाइंस को रीड कर पा रहे होंगे जिनसे आप उस केस स्टडी को आइडेंटिफाई कर पाए। तो आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बाय कोटिंग द लाइंस। तो क्लास मैं आपको जैसे हिंट देती हूँ, आप स्टार्टिंग की लाइन पढ़ो। एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये चीज हमने पढ़ी थी, मैनेजमेंट इज परवेसिव, कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल्स। तो वही लाइन यहाँ बात कर रहे हैं कि द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। तो यू कैन सी मैनेजमेंट इज परवेसिव, आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, या जो भी है, ठीक है। उसके बाद क्लास नेक्स्ट देखिए कि अंजू टेक्स अपना मार्केटिंग जॉब इन रिटेल कंपनी, जहां पे उसका काम है टू इंक्रीज सेल्स, जबकि मंजू एक एनजीओ ज्वाइन करती है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू स्पेशली एबल्ड पर्सन। तो दोनों का अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव है। अंजू ने क्योंकि मार्केटिंग जॉब ली है तो उसका अपना काम है कि वो सेल्स बढ़ाए, मंजू एनजीओ में काम करते हैं तो उसका अपना काम है कि स्पेशली एबल्ड पर्सन को वो जॉब्स दिलाए। तो सेकंड पॉइंट ये है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि दोनों जो हैं वो अपने अपने गोल्स अचीव करने पर वर्क कर रही हैं। देन क्लासिक लाइन आती है, बोथ ऑफ देम हैव टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस कॉम्पोजिट बट सेपरेट फंक्शन एज इट इज लाइन ऑफ एनसीईआरटी, जो मैंने डिस्कस करी थी एक्सप्लेनेशन के टाइम। एंड ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, तो आपको सीधा साफ आंसर इसका मिल रहा है, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये लाइन ही उसमें थी, बोथ ऑफ देम हैव टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस कॉम्पोजिट बट सेपरेट फंक्शन। नेक्स्ट जहां पे बात आ रही है कि बोथ अंजू एंड मंजू कॉन्शियस एफर्ट्स करते हैं टू बिल्ड अ फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन, तो क्लियर आंसर क्लास, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एंड जो लास्ट लाइन है, द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल, टारगेट्स आर मेट,
एम्प्लॉयज आर हैप्पी, देयर इज ऑर्डरलीनेस रैदर देन क्योस. एग्जैक्ट लाइन, सेम लाइन जो हमने डिस्कस करी थी. मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स जिसे हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं. तो केस स्टडीज डिस्कस करने के बाद आई होप क्लास आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से कि जितनी भी केस स्टडीज हमने डिस्कस करी हैं ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी पे बेस्ड नहीं, सारे सीबीएसई बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं. एंड आपको आज पता चल गया होगा कि जो हम अपने हर वीडियो लेक्चर में दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड द इम्पॉर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, यही दो कीज हैं टू स्कोर फुल मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज. किसी को अगर किसी भी केस स्टडी में कोई डाउट है क्लास, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स.